जो डिस्चार्जेज हो चुके हैं, अर्थात जो संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 4062, 4062। तो जो डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और एक्टिव केसेस से आज की तारीख में ये 1200 से भी ज़्यादा हो गई है। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 189 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2948 लोग रखे गए हैं, जो विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8454 इतने लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया है। कल प्रदेश में 7923 सैंपल्स की जांच की गई, और पूल सैंपल के माध्यम से 567 पांच-पांच सैंपल के पूल और 82 10-10 सैंपल के पूल की जांच की गई है। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कंटेनमेंट के लिए सर्वेलेंस का कार्य किया जाता है, और सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 12625 एरियाज का, जिसमें 3278 हॉटस्पॉट और 9347 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज हैं, इनका सर्वेलेंस किया गया है। 94856 टीम दिवस के माध्यम से 74,47,339 हाउस होल्ड्स का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,74,46,942 लोग का सर्वेक्षण हुआ है। उनका इतने लोगों का 3,74,00,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। जो प्रवासी कामगार लौट रहे हैं उनको शेल्टर होम से थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो लक्षण रहित हैं तो उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर 21 दिन के होम क्वारंटाइन पर भेजा जाता है, और उसके पश्चात आशा वर्कर्स उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछती हैं, उनका सर्वेक्षण करती हैं। तो जो माइग्रेंट ट्रैकिंग की गई आशा वर्कर्स के द्वारा अभी तक, वो कुल मिलाकर के 10,08,531 माइग्रेंट्स का ट्रैकिंग हुआ है आशा वर्कर्स के द्वारा, जिसमें 959 लोग सिम्टोमेटिक निकल के आए हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा पाए गए, और इनके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। जो अभी तक जिनके सैंपल के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें 297 में से 88 पॉजिटिव पाए गए और 209 निगेटिव पाए गए, अर्थात आशा वर्कर्स ने जिन लोगों को सेलेक्ट किया उनमें लगभग 30% की पॉजिटिविटी पाई गई। मतलब इसका यह हुआ कि आशा वर्कर्स काफ़ी सटीक लक्षण के आधार पर वो चयन कर पा रही हैं जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं, और आरोग्य सेतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। जो भी अलर्ट्स इससे जनरेट हो रहे हैं उनको हम अपने स्टेट के कॉल सेंटर से लगातार उनको हम कॉल करवा के उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तक 38,054 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से कॉल किया जा चुका है, जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जनरेट हुए। इसमें से 104 लोगों ने बताया कि उनका इस समय उपचार अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में हो रहा है। 49 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे लेकिन अब उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं, और 1,248 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं।